और इस निद्रा के कारण वस्तु को नहीं ग्रहण करने के कारण जो हम उसको भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसको हम स्वप्न स्वप्न के द्वारा बोलते हैं। और इन दोनों से मुक्त कब होगा? जब आप निद्रा से जाग जाओगे। अनादि माया सुप्त जरा जीव प्रबुद्धते अयम अनिद्रा स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते। अनादि माया नित्र से सोए हुए जब तक सोते रहेंगे तब तक ये दृश्य दिखती नहीं जाएगा, परंतु यदि हम निद्रा से जाग जाते हैं तब फिर ये दृश्य भी नहीं हो जाएगा। तो अपने इस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए कौन उत्पत्ति न निरोध इसको लेकर के भावे असत फिर अद्वैन च कल्पित अधिष्ठान भेद रहित एक अधिष्ठान के ऊपर सारा भेद की कल्पना की गई है। और ये जितना भाव वस्तु है वो अद्वैत के साथ ऊपर ही कल्पित है, इसलिए आप अपने पुस्तक ये अद्वैत से मिल करके दिखाई दे रहे हैं कि अलग करके दिखाई दे रहे हैं? यदि मिल करके दिखाई देते तो अद्वैत ही है, और यदि अलग करके दिखाई देते तो सत्य सिद्ध नहीं होगा, सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए कल्पना काल में भी जिस समय कल्पना करते हैं अथवा कल्पना नहीं करते उस समय भी यदि ये भावना रहता है एक अकल्पित अधिष्ठान के ऊपर ही कल्पना हो रहा है तस्मात अद्वैता शिवा। इसलिए जो है ये भेद रहित सबसे कल्याणकारी वस्तु है। इस प्रकार से क्योंकि आप आत्मदृष्टि से देखोगे मतलब रज्जु दृष्टि से देखोगे तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है स्वर्ग को जल तरह भूचित्र माला दंड कुछ भी, यदि रज्जु दृष्टि को देखोगे तो क्या है रज्जु भिन्न कुछ नहीं है। और यदि रज्जु मतलब रज्जु से भिन्न करके देखने का कोशिश कर उसका सत्य सिद्ध नहीं होगा। न आत्मभावे नानाइदम न श्वेना भी कथनचन न पृथक न पृथक किंचित, वो भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है, वो भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है। अधिष्ठान तो कल तीन दिया था हमने, एक है बड़े कपड़े के ऊपर छोटा छोटा चित्र बनाना, दूसरा दिया था क्या मैं हाथ को मारा पैर को ढंडा, ठीक है ना। ये जो है ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है हम जब अपने में भी कोई भिन्नता नहीं है और भिन्नता केवल कल्पित मात्र है। अब जब पृथक कर्कट शास्त्र का आगे जब बोलेंगे तो पृथकत्व के गुण मत पृथक मतलब जो पृथक व्यवहार के हेतु जो विशेष गुण होते हैं उसको पृथक तो बोलते हैं। अब ये किससे पृथक है, ये किससे पृथक है, जब आप ये बोलोगे तब आपको दोनों की ज्ञान चाहिए। एक वर्तमान में ये रूप में दिखाई दे रहा है, इससे पहले आपको ज्ञान हो गया जिसका इससे ये वस्तु ये वर्तमान दिखाई दे रहा है इससे भिन्न, इसका ज्ञान पहले से आपको चाहिए। अब जो यहाँ पे पृथकत्व को बैठा मतलब पृथकत्व जो कि आप सभी में एक ही पृथकत्व बैठ रहे हैं कि एक ही अलग अलग पृथकत्व है, यदि ये पूछा जाता है यदि एक ही पृथकत्व है मतलब जैसे घटत्व यदि एक ही है तो सभी वस्तु घट 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 नाम से बोला जाता है, यदि एक ही पृथकत्व वस्तु में घट पर भिन्नता ही नहीं हो पाएगा तो इसीलिए पृथकत्व अलग अलग बनना पड़ेगा। आप इस अलग अलग पृथकत्व को समझने के लिए आप इस वस्तु का ज्ञान हो तब पृथकत्व की ज्ञान होगा, पृथकत्व की ज्ञान हो तब जाकर ये वस्तु की ज्ञान ठीक से होगा। इसलिए ये अनन्याश्रय दुष्कर मतलब एक दूसरे के अस्तित्व का अनन्याश्रय मतलब जो वस्तु स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता दूसरे को आश्रय करके सिद्ध होता है। ए और बी ए कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ए बी के द्वारा सिद्ध होता है बी ए के द्वारा सिद्ध होता है। गुण क्या होता है द्रव्य के आश्रय में, द्रव्य क्या है जो गुण को आश्रय देता है, इसलिए द्रव्य और गुण की कोई स्वतंत्र परिभाषा नहीं दे पाए एक दूसरे को आश्रय करके बोलते हैं, इसलिए दोनों स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते। व्यवहार के लिए आप भेद मानते हैं, व्यवहार में हमको भेद दिखाई पड़ता है परंतु पारमार्थिक भेद नहीं है। दूसरा उदाहरण था जो ये मैं पैर को मारा हाथ को लगा, हाँ हमने हाथ उठाया तो हाथ उठाया तो फिर आपने जो बोला कि मैं तो पैर को मारा तो हाथ क्यों उठा रहे हैं, बताइए सभी तो मैं हूँ तो मैं हूँ। मतलब क्या हो गया कि अब फिर जब डॉक्टर जब उसको हाथ में दवाई लगाने लगा अरे अभी तो तुम बोल रहे थे एक ही तुम हो तब यहाँ दवाई लगना तो काम नहीं करेगा, तो क्या यही बात नहीं है। मतलब अधिष्ठान मतलब अव्यवहार काल में एक होता हुआ भी व्यवहार काल में पैर का काम अलग और घात का काम अलग, इसलिए भिन्न पृथक और पृथक दोनों रूप में। एक थर्ड हम कल क्या बोले थे रज्जु में सर बिल्कुल वहाँ पे क्या हुआ था कि अलग अलग प्रकार मुख जो हमारे अधिष्ठान में देते हैं पांच प्रकार के दिखाई देने पर भी मतलब भूषित्र जलधारा माला गंध सर्प किसको पर दिखाई दे रहा है एक रज्जु को पर दिखाई दे रहा है। देखिए एक भूचित्र देखने वाले व्यक्ति उसको उपेक्षा करता है, माला देखने वाले व्यक्ति गला में चढ़ाने के लिए इच्छा करता है, जलधारा देखने वाले व्यक्ति कमंडल में भरने का कोशिश करता है, सर्प देखने वाला व्यक्ति भाग जाता है, दंड देखने वाला व्यक्ति तुम्हारा काम आएगा,
इसी में उसको उठाता है, उठाने का कोशिश करता है। एक ही रज्जु को देख करके देखिए व्यवहारिक भिन्नता हो रहा है, परंतु अधिष्ठान एक ही रूपी है। इसलिए न पृथक अपृथक के जगह अव्यवहार काल में स्वामी पात्र स्वरूप एक होते हुए भी व्यवहार काल में भिन्नता प्रतीति होती है। बस ऐसा ही हम स्वरूप एक मानते हैं, पूरा सृष्टि स्वरूप एक अद्वितीय अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म होते हुए भी व्यवहार के कारण ये भिन्नता से प्रतीति होती है। अब इस प्रकार व्यवहारिक भिन्नता व्यभिचारित्व को लेकर ही हम इसको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब ये नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, मिथ्या मतलब दिखाई देगा, परंतु आपको जिस रूप में दिखाई दे रहा था जिस उपयोगिता वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसी को मिथ्या बोलते हैं, इसी को मिथ्या बोलते हैं। देखिए इसलिए कल जो हम लोग यहाँ टीका में कहाँ तक पढ़ लिए थे, अत वास्तव आकार सर्वथा निरूपण असहमेव द्वैतम इति फलितम आह। टीका में 1, 2, 3, 4, 5 लाइन पे देखिए टीका में, इसलिए क्योंकि ये जो है पृथकत्व स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता, अनुयोगी प्रतियोगी के ज्ञान के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। अनन्नाश्रय दोष के द्वारा, अनन्नाश्रय दोष के द्वारा कैसे करने पर कोई वस्तु स्वतंत्र सिद्ध सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए अतः इसलिए छह नंबर टिप्पणी क्या बोला था, अतः पृथकत्वादिना द्वैत निरूपयितुम अशक्यत्व पृथकत्व भिन्न इस प्रकार से आप द्वैत को निरूपण नहीं कर सकते। भिन्नता तो आपको ऊपर ऊपर दिखाई पड़ती है, भिन्नता ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है, अंदर कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए द्वैत सिद्ध नहीं होने के कारण अतः वास्तव आकारिणा सर्वथा निरूपण असहमेव द्वैत, इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से द्वैत को निरूपण करना सहन नहीं होता, वेदांत होगा पारमार्थिक व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा मान लेते हैं। पेज 119 जिसको परम पर रहते कल 119 में देखिए 5th लाइन पे, अतः वास्तव आकारेण सर्वथा निरूपण असहम एव द्वैतम, इसीलिए पारमार्थिक दृष्टि से द्वैत को निरूपण करना वेदांति का सहन नहीं होगा, कैसे कर गया इति इसको मन में रखते होते इति तत्व विदोह विदोह तत्वविद का पुरुष लोग ऐसा बोलते हैं और तत्वविद नहीं कह सकते जब तक आप तत्व मतलब क्या जैसे सुवर्णविद उसी प्रकार आत्मविद सुवर्ण में सभी अलंकार में एक सुवर्ण दृष्टि से देखते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मविद अथवा आत्मविद सभी जागतिक वस्तु को ब्रह्म अथवा आत्मदृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं वास्तव का कर सर्वथा निरूपण असहम एव द्वैतम फलितम हम 7 नंबर निरूपण असहम मतलब विचार अवशिष्ट विचार पूर्वक आप निर्णय नहीं कर सकते, विचार सत्य अनिर्वचन ही निकलेगा, ये सत्य है कि असत्य कौन रूप में आप निरूपण नहीं कर पाएंगे। अनिर्वचनीय मतलब ये नहीं समझना कि जिसको बोला नहीं जाता, अनिर्वचनीय मतलब क्या है, हाँ जिसको सत असत अथवा सत असत उभय रूप से जिसको निरूपण नहीं किया जा सकता उसको हम अनिर्वचनीय बोलते हैं। ये चीज अब इति तत्वविदो विदुः इस प्रकार से तत्ववेत्ता लोग जानते हैं। ये जो आपने कहा था जद उत्तम अद्वैता शिवा इति तत्र हेतुअंतर उपन्यास उपरोक्तम श्लोक से दर्शित श्लोक क्या है, पहला श्लोक में आता तस्मात् अद्वैता शिवा मतलब एकत्व बुद्धि कल्याणकारक है, भेद बुद्धि ही दुख के कारण है झगड़ा के कारण, व्यवहारिक जगत में भी हमें यही दिखाई पड़ते हैं, है ना, इसलिए बोलता है जद उत्तम अद्वैता शिवा तत्र हेतुअंतर उपन्यास उसका ही दूसरा हेतु दे रहे हैं अपर उपन्यास परत्तम मतलब परत्तम मतलब बोधगत्तम बोधगत्तम श्लोक से दसवें श्लोक को दिखाते हैं। कुतस्य अद्वैता शिवा इस कारण से आप बोलते हैं, बोलते हैं कि मतलब अभिन्नता अथवा एकत्व दृष्टि कल्याणकारक है, क्यों बोलते हैं ये शिवा शब्द का अर्थ क्या कर दिए थे, निर्दिशयानंद रूप निर्दिशय आनंद रूप है, कैसे बोलते हैं तदेव स्फुट है, हम कैसे बोलते हैं उसी को स्पष्ट करके समझाते तदेव मतलब हेत्वंतर में किस कारण से हम बोलते हैं उसी 8 नंबर टिप्पणी इस कारण से स्पष्ट करके दिखाते हैं भगवान भक्त का क्या दिखाते हैं, नाना भूतम मतलब इसका अर्थ हो गया पृथकत्व, नाना भूत का ही अर्थ हो गया पृथकत्व, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं भिन्नता है ना, अन्नस अन्नस्मा एक का दूसरे से, अन्नस मतलब एक का अन्नस्मा मतलब दूसरे से एक का दृष्टि से जब तक दृष्टम जहाँ दिखाई पड़ता है तत्र अशिवम भवे वहीं पे अकल्याण, कितना सुंदर एक प्रतिज्ञा वाक्य है, देखिए कितना सुंदर प्रतिज्ञा वाक्य है कि नाना भूतम पृथ ये जो वो हमसे भिन्न है वो ये दृष्टि हमारे लिए अकल्याण करे, ये दृष्टि हमारे लिए क्या है दुख
पैदा करते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे बृहदारण्य श्रुति में मैत्री ब्राह्मण ने बोलते हैं ब्रह्म तम परागा जन्मत्र आत्मन ब्रह्म वेद क्षत्र तम परागा जन्मत्र आत्मन क्षत्र वेद। ऐसा बोलते बारह पर्य में दिखाएं सर्वतम परागा जो अन्यत्र आत्मन सर्वम वेद। जितना को तुम अपने से भिन्न कर को देखोगे उसी के द्वारा ही तुम एफेक्टेड होते रहोगे। यहाँ पे पराजित हो जाता है मतलब आपको जो है उसके तरफ होते रहेंगे। इसे यहाँ पे बोलते हैं सर्वाधिक होने के कारण तो यहाँ पे बोलते इसलिए होगा यत्र विष्टम जहाँ भी इस प्रकार भेद दिखाई देते हैं ना तत्र अशुभम भवे वहीं पर अकल्याण होते हैं वहीं पर अकल्याण होते हैं। यहाँ पे देखिए ये टीका में आ जाइए फिर नाना भूतम इति अस्य पर्याय उपादानम पृथक्तम इति ऊपर भाष्य का लिखते हैं ना नाना भूतम उसी का ही जो है पर्याय मतलब सिनोनिमस उसी का दूसरा शब्द क्या है पृथक्तम उसी का अर्थ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना आत्मभावेन नानादम पहले पद नाना कि जो नाना रूप दिखाई पड़ते हैं मतलब अलग अलग करके दिखाई पड़ता है पृथक रूप में दिखाई पृथक व्यवहार के हेतु पृथक धर्म जहाँ पे बैठा हुआ यदि इसका अर्थ अब तस्व भय कारणत्व प्रकट होता है। क्या बोला कि वो जो है अशिव है अपेक्षा करेगा वो भय का क्यों होगा भय का कारण क्यों होगा। श्रुति प्रधानता श्रुति बोलते हैं द्वितीया वही भय दैत्य बुद्धि हमारे लिए भय के हेतु होगा। उसी को देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि अन्नस्य अन्नस्मात् भय का हेतु यही है एक का दुष्ट से भिन्न करके जितना देखोगे उतना ही हमेशा ही अभ्यास करना चाहिए। कोई भी वस्तु दिखाई दे वो अलग नहीं है या तो ईश्वर स्वरूप है मेरा ही स्वरूप है व्यवहार के कारण भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है अलग अलग शरीर व्यवहार के कारण स्वरूप तो हमें कोई भिन्नता नहीं है। और जिस प्रकार मान लीजिए कोई सोचे कि मैं गुरु में पढ़ाता हूँ जिस शरीर पढ़ रहा है ये बात भी नहीं है ये मिथ्या है कोई बंधन है नहीं मुक्ति नहीं है ये क्या है बस केवल मतलब वही समय बिताने के लिए ताकि समय मतलब मन इधर उधर ना भाग जाए उसी कारण से इच्छा का व्यवहार एक ही स्वरूप होकर के बैठा हुआ है व्यवहार ऐसे व्यवहार के लिए थोड़ा ये बात व्यवहार करना पड़ता नाना भूत इनको जब बोल दिया कोई बंधन भी नहीं है कोई मुक्त भी नहीं है तो आपको ये नहीं समझना कि मैं बंधन हुआ ये मुक्त है कुछ नहीं दोनों मिलता नहीं तो ये थोड़ा बहुत समय टाइम पास जाता है तो हो जाए बस अच्छा रूप भगवान की चिंतन हो जाए स्वरूप चिंतन हो जाए क्योंकि इसी को ब्रह्माभ्यास बोलते हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम अनन्यम तत्प्रबोधन आएगा आएगा एक तदेव परतम तम ब्रह्म ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा परमात्मा की चिंतन तत्कथनम उसके बारे में कथन करना अनन्यम तत्प्रबोधन एक दूसरे तक संबंध बोध कराना किसी को मुख्य रूप से मान करके जो व्यवहार करते हैं किसी को शास्त्र में ब्रह्म अभ्यास कहा गया ब्रह्म अभ्यास भी दुर्बुद बुद्धिमान व्यक्ति किसी को ब्रह्म अभ्यास ऐसे जीवन बिताना कर्तव्य जीवन कैसे बिताए ब्रह्म अभ्यास के माध्यम से जीवन को यदुक्तम अद्य हो गया नाना भूतम इतिहास पर्याय उपादान पृथकतम तस्व भय कारणत्वं प्रकटयति वो भय का कारण क्यों है अन्नस्य अन्नस्मात् यत्र दृष्टं तत्र अशुभं भवेत् तत्र व्याघ्र चोरादौ इति यावत् वहाँ पे यत्र शब्द लिखा है ना यत्र मतलब तत्र उस जो जगह पे आपको क्या हो जाएगा व्याघ्र चोरादि सबका भय होता है। कोई पशु पक्षी देखेंगे जैसे हम पहले निर्दिष्ट कर दिया था अरे उस बात को थोड़ी पता है किसी को है मेरा आपको देखा इसी प्रकार चोर जो है चोरी करता हम उसको चोर समझते हैं चोर क्यों बोले स्थान रूप का चोर की भ्रांति होती है इसी प्रकार हमें भ्रांति एकदम डरते रहते हैं। तत्र व्याघ चोर आदि इतना उठा के को तो यत्र पद को अर्थ करना है तद भय कारणम भेद दर्शनम अद्वय वस्तुनि नास्ति क्या हो वो जो भय के कारण है भेद दर्शन वो भेद रहित आत्मा में है ही नहीं है ना। तद भय कारणम वो जो भेद दर्शन तद भय कारणम क्या है भय कारण भेद दर्शनम भय का कारण क्या है भेद दर्शन अद्वय वस्तु भेद रहित वस्तु में नाश की है नहीं इसे आप उसके मन में रखते होते
नहि अत्र अद्वये परमार्थ सत्यात्मनि प्राणादि संसार जातम् इदं जगदात्म भाविन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमान नाना वस्तु अंतर्भूतम् यो न भवति नाना वस्तु अंतर्भूतम् भवति मत ऊपर से जो न भवति न पाला कर दीजिए क्योंकि अत्र अद्वय ही मतलब क्योंकि अत्र इस भेद रहित अधिष्ठान में वो भेद मतलब क्या होता है परमार्थ सत्यात्मन परमार्थ सत्य स्वरूप में प्राणादि संसार जातम इदम जगत की प्राणादि से लेकर हिरण्यगर्भ से लेकर के चींटी तक चतुर्दश भुवन में रहने वाले जीव जब का आत्मभावेन मतलब परमार्थ स्वरूप में जब आप उसको पारमार्थिक स्वरूप से देखो निरूप मानो मतलब जब सर्प झूषण दंड माला को आप रज्जु दृष्टि का अधिष्ठान किया और चतुर्थ से विचार करोगे तब आपको भेद नहीं परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमानं नाना वस्तु अंतर्भूतं न भवति तब वस्तु अलग अलग है इस प्रकार से रहेगा ही नहीं आपके सामने आप क्या रहेगा एक अधिष्ठान आत्मा ही मैं ही हूँ सारा संसार के सृष्टि में अधिष्ठान फिर आगे बोल रहे हैं टीका में आ जाइए अध्यस्थम अधिष्ठान रूपेण तत्त्वतो निरूप्यमानं असत् एव भवति इति अत्र दृष्टान्तम् जिस वस्तु का हमने अध्यास किया अध्यस्त वस्तु अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्व निरुक्त मन आप बोले ना तो अधिष्ठान तत्व इसीलिए तो शास्त्र हमको पढ़ना है शास्त्र बार 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 हमको ही दिखाता है क्या दिखाए पुरुष एव इदम विश्व अतः ब्रह्म ही वही दम सर्व आत्मा ही वही दम सर्व इस प्रकार से एक ही तत्व है सदैव संवेदन अग्रे आसीत इसी के हम बोलते हैं अध्यस्तम मतलब आरोपित वस्तु को अधिष्ठान रूपेण तत्व तो निरूप्य मान जब आप तत्व दृष्टि से देखो तत्व दृष्टि मतलब किसका ऊपर ये दिखाई पड़ रहे हैं है ना इसलिए बोलते हैं अधिष्ठान रूपेण तत्व तो निरूप्य मानम अध्यस्तम वस्तु असत एव भवति असत मतलब तीनों काल में उसकी स्थिति वहाँ पे है ही नहीं क्योंकि अत्र इस विषय में दृष्टान्त महान इस विषय में दृष्टान्त क्या बोल रहे हैं यथा इसी पर महिला स्कैम यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेण निरूप्यमान रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेण निरूप्यमान नानाभूत कल्पित सर्व अस्ति तद्वत दृष्टान्त आपको बोल करके क्या बोलते हैं जैसे प्रकाश के द्वारा रज्जु के स्वरूप को निरूपण कर लेने पर निश्चय कर लेने पर प्रकाश के द्वारा अंधेरा के कारण दिखाई देता प्रकाश के द्वारा रज्जु के स्वरूप को निरूपण कर लेने पर तब क्या होगा उसके ऊपर जो अलग अलग भ्रांति हो रही थी वो भ्रांति नहीं रह जाता ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कौन सा प्रकार परोक्ष ज्ञान अथवा शास्त्र गुरुवाक्य के प्रकाश के द्वारा अधिष्ठान रूप में अपने स्वरूप को निरूपण कर लेने पर इस जगत के हिरण्य गर्भ से लेकर के चीर तक भेद दिखाई पड़ता है वो नहीं रह जाएगा ठीक है इसलिए बोलते अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्त्वतो निरूप्यमानं अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूप में जब आप निरूपण कर लेंगे तब क्या हो जाएगा असत मत हम स्वयं ही निरूपण करेंगे क्या निरूपण करेंगे जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय जो वस्तु वहाँ पे नहीं है जब नहीं देखा था तब भी नहीं था जब अब ज्ञान हो गया तब भी नहीं है जिस समय दिखाई दे रहा था उस समय जो वस्तु वहाँ पे नहीं था मैं कल्पना कर लिया इसलिए बोलते हैं यथा जैसे रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेण निरूप्यमान रज्जु के स्वरूप के द्वारा प्रकाश के सहारा लेकर के निरूपण करने वाले लोग अब रज्जु स्वरूप कर लेंगे न उस समय नाना भूत कल्पित सर्प न अस्ति अलग अलग प्रकार के सर्प भूचित्र जलधारा माला दंड इस प्रकार कोई भी वस्तु नहीं रह जाएगा जैसा ये दृष्टान्त ऐसा ही दृष्टान्त में तद्वत तद्वत दृष्टान्त किया जाएगा जगत जगत प्रपंच और अधिष्ठान जब अधिष्ठान आत्मरूप में जब आप जगत प्रपंच को विचार को निर्णय करने लग जाओगे जगत प्रपंच आपको भिन्न रूप में नहीं दिखाई देगा तब ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए अभी भी जगत दिखाई दे रहा है ज्ञान के बाद भी जगत दिखाई दे रहा है क्या है कि इस समय सबको अलग अलग रूप में देखते अलग अलग व्यवहार रूप में करते हैं परंतु ज्ञान के बाद क्या हो जाएगा तो भिन्न नहीं है एक शुद्ध आत्मा किसी ने कह दिया ये व्यक्ति दिखता तो मनुष्य ही नहीं हो तो उस मनुष्यत्व का निरूपण उसके अंदर मनुष्यत्व है कि नहीं है और निरूपण का आपने बोला कि ये व्यक्ति भी बहुत खराब है किसी ने आपको बोल दिया व्यक्ति बहुत खराब है तो हमने मान लिया हम इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते करते जब हम अपने आप निरूपण करते हैं क्या निरूपण करते हैं उसके साथ व्यवहार करते करते निश्चय हो जाता है वो लोग बोल रहे थे खराब व्यक्ति खराब भी नहीं अच्छा व्यक्ति अच्छा व्यवहार करते हैं तब क्या हो जाएगा वो जो खराब पर तो व्यक्ति हमारे मन में घुसा तो अपने आप चला जाएगा
ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी यदि हमने इससे सदारोप है, जैसे हमने क्या किया जगत सत्य रूप में प्रतीति हो रहा जनादि का संस्कार के कारण शास्त्रवाद को गुरुवाद को होता जब हम इसको अपने स्वरूप रूप में भविष्य रूप में विचार करने लग जाएंगे तब इसका मतलब सत्यत्व तो बुद्धि चला जाएगा, प्रति व्यक्ति वही रहेगा, परंतु व्यक्ति खराब था अब क्या बुद्धि हो गया नहीं वो व्यक्ति अच्छा प्रतीत वही व्यक्ति का जिससे प्रतीत वही हो रहा है पहले सत्यत्व तो बुद्धि से व्यवहार करते थे अब क्या हो जाएगा बस इस पर पारमार्थिक सत्य कुछ है नहीं तो व्यवहार भी नहीं यही स्थिति होती है तदवत इस प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए इसी प्रगति को समझा रहे हैं टीका का 120 पेज पहला है टीका का प्रति प्रकाशेन अधिष्ठान मात्रतया समारोपित सर्प जदा निरूप्यते तदा नाशो तद व्यतिरेक न सिद्धति ठीक है पंडित बोलो पेज 120 फर्स्ट पेज में बोल दिया था इसका प्रकाशेन अधिष्ठान मात्रतया समारोपित सर्पो यदा निरूप्यते तदा न असौ तद व्यतिरेक न सिद्धति क्या हो गया प्रदीप के प्रकाश के द्वारा संबद्ध रूप से आरोपित किया गया जिस सर्प उस सर्प को अधिष्ठान मात्र गया जदा निरूपते अधिष्ठान मात्र इस प्रकार से निश्चय कर लिया जाता है निरूपण किया जाता है तथा नाश उस समय ये सर्प तद व्यतिरिक अधिष्ठान व्यतिरिक न सिद्धति असु अधिष्ठान व्यतिरिक न सिद्धति बंदी को लगाने के लिए वह शब्द की दर्शन करना पड़ेगा प्रदीप प्रकाशनी प्रकाशेन प्रदीप प्रकाश के द्वारा समारोपित सर्प यदा अधिष्ठान मात्रतया निरूप्यते ठीक है पंक्ति प्रति प्रकाश के द्वारा संभव रूप से आरोपित किया था जो सर को वो अधिष्ठान रूप में निश्चय निरूपण कर लिया जाता है तदा न असो उस समय असो सर्व तद व्यतिरेक न मतलब अधिष्ठान व्यतिरेक न सिद्धति अधिष्ठान से भिन्न करके सिद्ध नहीं विचार के द्वारा जब यह प्रति प्रकाशन विचार बुद्धि के प्रकाश के द्वारा जब आपको आरोप किया गया था जो खराबपन अथवा भेदपन विचार पूर्वक जब हम उसको निर्णय कर लेते हैं तब हमको क्या दिखाई पड़ता है कि नहीं नहीं वो व्यक्ति ठीक है वो व्यक्ति मात्र ही रह जाता है ना वो अच्छा भला तो नहीं बोलते कि नाश होता है अधिष्ठान व्यक्ति लेके न सिद्ध तथा ठीक उसी प्रकार से जगत अपि इदम् आत्मस्वरूपेण निरूप्यमानम् न अन्यत्र सिद्धे इति अर्थ देखिए भाष्यकार की पंक्ति को दृष्टांत भाग को भी समझाया दृष्टांत भाग तद्वत् तद्वत् का अर्थ क्या करते हैं तद्वत् ठीक उसी प्रकार से तथा जगत अपि ये जगत भी इदम् आत्मस्वरूपेण है ना जगत भी शास्त्र प्रकाश से जब आप आत्मदृष्टि से देखेंगे यहाँ पे प्रकाश अलग क्यों नहीं बोला रज्जु को देखने के लिए एक अलग प्रकाश की आवश्यकता होती है परंतु आत्मा को समझने के लिए कोई अलग प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश नहीं ऊपर दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता पंक्ति में दिखाई देगा आपको आत्मा स्वयं प्रकाश है इसीलिए यहाँ पे कोई देता था जगत अभी एकदम आत्मस्वरूप बिना निरूप्य मानव यह जगत जब आत्मस्वरूप से अभिन्न होकर चिंतन करेंगे ना न अन्न सिद्ध कभी भेद सिद्ध ही नहीं होना भेद सिद्ध न अन्न सिद्ध दीदी करते इसका भी करते एवं प्रथम पादम व्याख्याय द्वितीय पादम व्याचष्टे उस श्लोक में चार पाद में पहला पाद क्या था न आत्मभावेन नानेदम द्वितीय पाद क्या है सेनापि कथंचन द्वितीय पाद के लिए एवं इस प्रकार से पहला पाद को व्याख्या करके अब द्वितीय पाद को व्याख्या करते द्वितीय पादम व्याचष्टे नापि स्वेन प्राण भाष्य में नापि स्वेन प्राणादि आत्मना इदं विद्यते कदाचित अपि रज्जु सर्ववत् कल्पितत्वात् एव ठीक है श्वेनापि बोल में आया है ना श्वेनापि न कथंचन नापि श्वेन मतलब प्राणादि आत्मना ये प्राण अलग है ये अपने स्वरूप से जब उसको देखने का कोशिश करेंगे मतलब सर्प को आप रज्जु को अलग करके सर्प रूप में देखना चाहेंगे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प को यदि आप रज्जु से अलग करके देखना चाहेंगे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कल्पना अवस्थायां प्राग ऊर्ध्वं चैति कल्पना अवस्था में उससे पहले उसके बाद में कदाचित भी किसी भी समय में वो सिद्ध ही नहीं होता
कदाचित अभी उसका अर्थ कर दिया टीकाकार कल्पना अवस्थाया प्राग उद्धम च कल्पना अवस्था में जिस समय मुझे दिखाई दे रहे थे उस समय और दिखने से पहले और ज्ञान होने के बाद उसी अवस्था में सर्व को होना संभव ही नहीं हम स्वयं निर्णय करते हैं इसलिए बोलते हैं कि नापि शरीर प्राणादि आत्मना इदं विद्यते अपने स्वरूप से भी ये लोग नहीं रह सकते कदाचित अभी तीनों काल में इसीलिए मगर मिथ्यत्व की परिभाषा है प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व किसी एक अधिष्ठान में जिस वस्तु दिखाई दे रहा है तीनों काल में उसका निषेध भी हो जाता है उसी उसी स्थान में उसका निषेध हो रहा है जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी स्थान में उसका निषेध कर देते हैं तो उसी का मिथ्या बोलते हैं प्रतिपन्न उपाधो किसी एक अधिष्ठान में त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व त्रैकालिक निषेध जिसको हो जाता है वो वस्तु मिथ्या कहते हैं इसी यहाँ पे बोलते हैं कि तथा कदाचित अभी दृष्टांत तो क्या दिया रज्जु सर्पवत रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प के समान कल्पित अर्थात एवं प्राणादि वस्तु भी कल्पित होने के कारण ये अपने स्वरूप से भी कभी सिद्ध नहीं हो सकता अपने स्वरूप से भी कभी सिद्ध नहीं हो सकता कल्पित शरीर कदाचित अभी भाष्य में बताया है ना कदाचित कार्तिक का क्या कर दिया कल्पना अवस्थायां प्राग उद्धम च कल्पना अवस्था में उससे पहले बाद में भी वो कभी भी सच्चे रूप में दिखाई नहीं होते अब जब पंक्ति के तृतीय पद क्या है न पृथक न पृथक किंचित ठीक है ना इसको ध्यान में बोलते हैं न पृथक किति अस्य अर्थम आह इस प्रकार से अर्थ तृतीय पद के अर्थ नहीं बोलते हैं अभी न पृथक अब उसका अर्थ कहते हैं तो तथा अन्योन्य न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अस्य अर्थ है आत्मा से अधिष्ठान से भिन्नता का आप नहीं देख सकते तो ये वस्तु भिन्न हो जाए आपस में भिन्न हो जाए आपस में भी भिन्न नहीं हो सकता जैसे घोड़ा और भैंस आपको अलग अलग करके दिखाई प्रतीति हो रहा है दृष्टान्त बोले व्यवहारिक दृष्टान्त बोले उसमें भी हमारे वेदांतिक नीति तो भिन्नता नहीं है व्यवहारिक दृष्टि पशु तो जाति में एक है और उसके पीछे भी आप देखोगे आत्मा तो जाति में तो भिन्न अभिन्न नहीं है इसीलिए केवल व्यवहार को दिखाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि तथा अन्योन्य न पृथक आपस में भी वो भिन्न नहीं है कौन वस्तु प्राणादि वस्तु प्राणादि वस्तु अन्य न पृथक प्राणादि वस्तु आपस में भी भिन्न नहीं है जैसे अश्वान मैंने क्या कर दिया वहां पे अश्वान लिखा है ना अश्वान महिष क्या पढ़ेगा द्वितीय बहुवचन पढ़ेंगे पंक्ति मिली कि नहीं मिला अश्वान महिष इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं देखो तथा अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु आपस में भिन्न भी नहीं है ठीक है ना तथा जैसे अश्वान महिष क्या पढ़ेंगे क्या अर्थ करेंगे उसको पंचमी अर्थ करेंगे कि द्वितीय बहुवचन अर्थ करेंगे पंचमी अर्थ करेंगे देखने से क्या लग रहा है द्वितीय बहुवचन लग रहा है हाँ आगे मौ है ना इसीलिए आप तकार को नकार हो गया तकार को नकार हो गया कि माँ का भी गना थोड़ा सा स्लिप कर जाएंगे आप थोड़े तक जो है कुछ लाएंगे कि द्वितीय बहु भोजन कहाँ से कैसे लगाएंगे इसको पंचमी अर्थ हो चुका अश से मह भैंस घोड़ा से भैंस जैसे अलग करके दिखाई देता है अलग करके निरूपण किया जाता है इस प्रकार से वो आप जो है प्राण से अन्य अन्य वस्तु आपस में भिन्न ही आप निरूपण नहीं कर सकते निरूपण नहीं कर सकते इसलिए बोलते हैं तथा अन्योन्य न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अश्वात महिष पृथक विद्यते जैसे घोड़ा से भैंस जो है अलग करके दिखाई पड़ता है इसी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा आपको वहां पे देखिए अब फिर इधर आ जाइए तथा पृथकत्व अनन्य आश्रय तीन दुर्वचन तो अभी हमने पहले प्रतिपादन करके दिखाया कि अनन्य आश्रय दोष के द्वारा ग्रसित होने के कारण ये भेद आपको सिद्ध ही नहीं होता अब जो यहाँ पे देखिए वैधर्म उदाहरण को प्रातिकम पृथकत्व अधिकृत और विरुद्धम तो आपने दृष्टांत तो कैसे दे दिया आपके सिद्धांत तो मतलब दृष्टांत तो देना ही मुश्किल जगह भेद ही नहीं है कैसे समझे बोलते हैं कि व्यतिरिक्त दृष्टांत तो यहाँ पे मतलब प्राण में भिन्नता नहीं है जैसे घोड़ा और भैंस में भिन्नता दिखाई पड़ता है वैधर्म दृष्टांत दे दिया भगवान भाष्य का पंक्ति में क्या दिखाई देगा पंक्ति पर हो जाए तथा अनन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु प्राणादि वस्तु अलग पृथक करके नहीं दिखाई दे सकता है जैसे घोड़ा से गाय अलग करके दिखाई पड़ता है तो मतलब एक होता है आपका अन्वय दृष्टांत एक होता है व्यतिरिक्त दृष्टांत लाइक एंड अनलाइक
नहीं, जिस प्रकार प्राण आदि माता हिरण्यगर्भ से ले करके चींटी तक आप अलग 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 करके भिन्नता करके आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भिन्न नहीं कर सकते हैं। ये कैसे भिन्न नहीं करता है? जैसे गाय से भैंस भिन्न है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक व्यतिरिक्त दृष्टांत तो है, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत मतलब जो आपने वहाँ कर ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए होता है वैधर्म उदाहरण मतलब व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया हुआ है। तो प्रातितिकम ये जो प्रतिति मात्र हो रहा है ये भी हमारे पक्ष में ये दृष्टांत तो भी नहीं दे सकते हम। जब हिरण्यगर्भ से लेट जाते हैं किसी से कोई भिन्नता तुमको नहीं देखता है तो गाय से भैंस भिन्न है कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? शरीर दृष्टि को लेकर के बोल प्रतिति प्रतिति हो रहा है तो दिखाई पड़ते हो उतना मात्र। इसलिए बोलते यहाँ पे वैधर्म उदाहरण तो प्रातितिकम प्रचकत्म अधिकृत उसको मन में रख करके यहाँ पे लिया गया। इसको कोई विरोध नहीं है, समझाने के लिए कहा गया, समझाने के लिए सिखा गया, क्योंकि हमारे पास कोई दृष्टांत ही नहीं है आत्मा जिसको हम समझाने के लिए सब कुछ कही। फिर आगे श्लोक में क्या, ये तो पृथक नहीं है, अपृथक भी नहीं है, न अपृथक इत्यादि व्याकर होती। ये बड़ा मतलब और थोड़ा सूक्ष्म विषय है, यहाँ भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि हम ये कह सकते ये दो दो बंधा पुत्र भिन्न है का भिन्न है, जो है ही नहीं उसमें भिन्नता अभिन्नता कैसे निरूपण करोगे? ये आकाश कुसुम इस आकाश कुसुम से बहुत अच्छा है तो हम बैठ के कल्पना कर पाएगा जो फूल में देख रहा ये फूल और अच्छा दिखाई दे, इस आकाश कुसुम से इस आकाश कुसुम भिन्न है ये अच्छा दिखाई देगा। तब इस प्रकार के शब्द में जब आकाश कुसुम को पकड़ने जाओगे आपको कहीं पता नहीं लगेगा। आपको अभय मैं बोल रहा हूँ, आप मानव को कालिका पढ़ रहे हो, ये आजाद बात को लेकर तो बोल रहे हैं, सृष्टि नहीं हुई। प्रश्न है कि व्यवहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता से भिन्न है क्या? व्यवहारिक सत्ता हमेशा पारमार्थिक सत्ता के ऊपर ही दिखाई देगा, कई बार बोल दिया मैं, पारमार्थिक सत्ता के ऊपर ही व्यवहारिक सत्ता दिखाई पड़ता है, पारमार्थिक सत्ता के ऊपर ही व्यवहारिक सत्ता दिखाई पड़ता है। इसीलिए पारमार्थिक सत्ता पारमार्थिक है व्यवहारिक आरोपित है, अरे कहीं कहीं गड़बड़ हो गया। एक क्योंकि अभिन्न होता तब दोनों को मिला करके दिखा दिया। हाँ इसी तो यही तो बोल रहे हैं, इसको भिन्न अभिन्न दोनों रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, भिन्न रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, ये ठीक है। आप दोनों बंधा पुत्रों को मिलाओ मिला सकते हो, मिलेगा ही वस्तु ही नहीं मिला होगा कैसे? एक उसके अब अधिष्ठान भिन्न वहाँ पर दुष्ट तत्व तो है नहीं जो अधिष्ठान में मिला दो, वहाँ पर दुष्ट तत्व है नहीं, बस प्रतीति हो रही थी ज्ञान हो वो अपने आप ही मिल गया, अलग करके मिलाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं अतः ये देखिए चतुर्थ बात को अतः असत्वात् न पृथक विद्यते, इसीलिए वो असत होने के कारण अलग करके भी नहीं दिखाई पड़ता, न पृथक न पृथक किंचित उसके बोलते हैं अतः असत्वात् क्योंकि उसके पारमार्थिक सत्ता नहीं होने के कारण प्राकृतिक सत्ता का न पृथक विद्यते वो अलग करके विद्यमान ही नहीं रहते, अन्योन्यम परे न किंचित वो आपस में भिन्न नहीं है किसी दूसरे वस्तु से भिन्न नहीं है, ऐसा का छेद ही नहीं कर सकते। अन्योन्य मतलब आपस में परे न मतलब दूसरे किसी वस्तु से वा किंचित एवं परमार्थ तत्व भी इस प्रकार से कौन क्या समझते हैं हम किसी को समझ में कठिनाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर परमार्थ दृष्टि नहीं हुई, और इसीलिए अपने आप ग्रंथकार अपने भी बोल रहे हैं आपको इस समय की व्यवहारिक दृष्टि हमारे ऊपर अब हावी हो रखा है, हमारे ऊपर व्यवहारिक दृष्टि हावी हो रखा है, इसीलिए हम पारमार्थिक दृष्टि को व्याप्त करने में थोड़ा कठिनाई हो, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते तब जाकर के धीरे धीरे पारमार्थिक दृष्टि खुलने से व्यवहार करते हुए भी आपको निश्चय रहेगा एक से भिन्न कुछ है। इसलिए बोलते हैं एवं परमार्थ तत्वविदो ग्रंथकार नहीं थी तत्वविदो विदुहु, ठीक है भगवान भाष्यकार ने यहाँ पक्षपाती तो कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया मामला, तो क्या भाष्यकार ऐसा कहीं पक्षपाती तो कर सकते हैं कि ब्राह्मण जाति ब्राह्मण को लेकर के नहीं बोला गया। यहाँ पे एक आपको देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं वहाँ पे अहोल ब्राह्मण बाल्यम च पांडित्यम च निर्वृत्त अथ मुनि मौनम च अमौनम च निर्वृत्त अथ ब्राह्मण सा ब्राह्मण केन स्यात् येन क्षत्रेण युधिष्ठिरः स्यात्।
तो ये बाल्य बाल्य क्या चीज हम पे बाल्य प्रतिष्ठा से इसको लेकर के पूछा गया है। श्रवण के बाद मनन क्यों होता है? बाल्यम च पंडित्य जन्म बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्ध अथ मुनि मौनम च अमौनम च निर्विद्ध अथ ब्राह्मण सा ब्राह्मण केन जेन सत्य नहीं दृश्य अवश्य। वो कैसे है वो हम नहीं बोल सकते, परंतु उसकी स्थिति ऐसी होती, उसकी स्थिति ऐसी होती। इसलिए शास्त्र में कहीं भी भगवान भाष्यकर वहाँ पे जाति ब्राह्मण को लेकर के नहीं कहा गया। ब्रह्म को जानने का जितना इच्छा तीव्र होता जाएगा उतना समझना आपके अंदर ब्राह्मणत्व तो आ रहा है। एक अवधूत गीता नहीं है, अवधूत गीता, अवधूत गीता के द्वितीय श्लोक में ऐसा लिखा है, जन्मना जायते शुक्र उपनयना द्विज भवेत वेद अध्ययना भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो क्रम से देखिए अद्भुत स्थिति में और अपने हम बोल रहे हैं, जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से तो हम सभी व्यक्ति शुद्ध तो बराबर है, क्योंकि हमारे अंदर आचार आचरण रहता ही नहीं है। उपनयनात् जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ तो हम द्विज हुई, हमारा दूसरा जन्म हुआ, थोड़ा सा मेंटल मैच्योरिटी को ग्रो कराने के लिए द्विज भवे द्विज कृष्ण ब्राह्मण के द्विज बोलते हैं, द्वितीय जन्म हुआ। फिर वेद अध्ययनात् भवेत विप्र, जब गुरुकुल में जाकर के उपनयन संस्कार कराकर हम वेद अध्ययन करते हैं तब हमारे विप्रता आ गई, विशेष प्रतिष्ठा एक विशेषता, जो विशेषता आता है विप्रता मतलब प्रज्ञा दृष्टि से आप विशेषता आना, बौद्धिक विशेषता जहाँ पे आते हैं ना वो हो गया विप्रता। और ब्रह्म जाना इसके बाद जब वेद के अंतिम भाग में वेदांतों को अध्ययन करके आपको निश्चित होता है कि नहीं यही ब्रह्म तत्व पारमार्थिक है, तो ब्रह्म जाना भी इति ब्राह्मण, इति ब्राह्मण। इसलिए आप देखिए परमार्थ तत्व ब्राह्मण को बोल दिया यहाँ पे, परंतु उसके पहले क्या शब्द प्रयोग किया? परमार्थ तत्वविद ब्राह्मण, जो परमार्थ तत्व को जानते हैं वो ब्राह्मण, उसको मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ, जाति ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं ब्राह्मण बोल रही हूँ। ये अभिप्राय यहाँ पे बोला गया है, ये बोलते हैं टीका में आ जाइए। अब द्वैतस्य प्रागुक्त न्यायेन असत्वात् न तत् अन्योन्यं वा परेण वा आत्मना वा सह अपृथक्भूता सिद्ध अर्हति। जैसे पृथक रूप से सिद्ध नहीं होता, अपृथक रूप से सिद्ध नहीं होता, है नहीं वस्तु। भगवान ठाकुर जी कहते हैं मंथन पुत्र कब राजा बना था उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ। आज हम लोग जन्मदिन मनाएंगे बंदा पुत्र, इसलिए प्राग पूर्ण वर्म बंदा भूखित में बंदा पुत्र राजा आशीर, ऐसा कोई कहे तो इस वक्त का कोई पूर्ण वर्म राजा होने से पहले यहाँ के राजा बंदा पुत्र था, तो इस प्रकार वाक्यों का भी अर्थ ही नहीं बनता, ये किसी प्रकार यहाँ बोलते। अतः द्वैतस्य प्रागुक्त न्यायेन असत्वात् द्वैत प्रपंच कुक्त, देखिए प्रागुक्त न्याय बोल रहे थे कथा, सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो द्वैत ही दिखाई देगा आप, जिस युक्ति से कहा गया अधिष्ठान के साथ मिला के अथवा शास्त्र दृष्टि से देखना सीखो तब तुम्हें अभिन्नता दिखाई देगा, व्यवहारिक दृष्टि में तो आपको भिन्न ही दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं प्रागुक्त न्यायेन असत्वात् जो ऊपर जिस युक्ति को दिखाया गया है उस युक्ति से इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होने के कारण न तो अनन्यम बा, इसीलिए वो लोग आपस में भिन्न है, ऐसा परेण आत्मा ने बात दूसरे से उससे भिन्न है सह उसको परेण आत्मा ने बात सह अपृथक होता वो अभिन्न हो जाएगा, ये भी नहीं सिद्ध कर सकता, भिन्नता भी नहीं सिद्ध कर सकता है, अभिन्नता भी नहीं सिद्ध, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, यदि होती तो आप उसका असर अभिन्न सिद्ध कर देते हैं। अतः दूर निरूपत्वात् न किंचित द्वैतम नाम अस्तित्व ब्रह्मविदा मत, इसलिए जिसको युक्तिपूर्वक निरूपण नहीं किया जा सकता, विचार दृष्टि डालोगे उसका निरूपण नहीं कर सकते, इसलिए अतः दूर निरूपत्ता उसका निरूपण करना कठिन होने के कारण न किंचित द्वैत किसी भी प्रकार के द्वैत नाम अस्ति द्वैत नाम वस्तु है ही नहीं, यदि इस प्रकार से ब्रह्म विदाम मतम स्वप्न मत नहीं है, ये भी बोल रहे देखिए सभी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं बोलेंगे, ब्रह्म तत्व को जानने वाले को श्रवण मनन करने वाले को धीरे धीरे निश्चय होता मतलब
इसी इसका विपरीत करते हैं। और क्या है, दुष्टम ही द्वैतम भय हेतु। हर जगह पे हमें यही दिखाई पड़ता है, व्यवहार जगत में ही दिखाई पड़ता है। भेद बुद्धि से हमारे अंदर डर होता है। आपके पास कोई वस्तु नहीं, एक तो वस्तु में भिन्नता आपसे भिन्न है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे आ सकते हैं, उठा देगा अथवा उसको बर्बाद कर देगा, दोनों में से किसी एक भय से हम कमरे में ताला भी लगाएंगे। परंतु ये भेद बुद्धि हमारे लिए भय का कारण बन जाता है। अरे जिसके लिए भगवान ने लिखा है उसके पास चाहेगा, तुझे क्या देगा, कहते क्या देगा। हमारे दृष्टि से भी आप देखेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले आत्मदृष्टि से समझाया, उसके बाद एक जो कविता उस दृष्टि से समझाया, और एक स्वधर्म दृष्टि से समझाया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए कि मर जाएंगे हम, मरने वाला हूँ। पहला कारण क्या दिखाया, आत्मदृष्टि से देखो। दूसरा कारण क्या, जो अनिवार्य है, जो पैदा हुआ मरेगा ही मरेगा। दूसरा कारण, दूसरा क्या है, तुम्हारी कर्तव्य क्या है, तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारी कर्तव्य क्या है, इसलिए ठीक इसको अपने में भी रखिए। भगवद गीता की ये तीन चीज को बहुत अच्छी तरह समझ, अपने में आत्मदृष्टि से हमने हमसे कुछ भेद में है ही नहीं, तो वो ले जाएगा तो वो चीज कहाँ से आएगा, मैं ही उसके शरीर में व्यवहार कर रहा हूँ। फर्स्ट वस्तु जब आया है जाना ही उसका स्वभाव है। ध्रुवम मृत्यु मृतम ध्रुव जन्म मृत, जो आए हैं वो जाएगा ही जाएगा, हम कितना भी कोशिश कर रोक नहीं सकते इसको। इसलिए दुख क्या करेंगे, इस मामले में निश्चित हो जाता है दुख कभी हमको स्पर्श करेगा। दुख भी आके दुखी होकर सॉरी सर है कभी हो फिर बढ़ी हुई, दुख भी आके दुखी होकर के चले जाए, यदि ये निश्चय आप कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड कर्तव्य बुद्धि, तीन चीज भगवान वहाँ पे लिखा है ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तुम्हें आत्मबुद्धि से भी दुख नहीं करना चाहिए, तुम्हें संसार के नियम से भी दुख नहीं करना चाहिए, तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि से भी दुख नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। हमारे यहाँ विद्या भरे कहाँ यही चीज, आत्मबुद्धि से भी हमसे कोई भिन्न नहीं है, इसीलिए कोई वस्तु खो जाएगा रक्षा उसके डर हमें नहीं होना चाहिए। और क्या वस्तु धर्म है कि आज है तो कल नहीं रहेगा, कितना भी कोशिश करो नहीं रहेगा। थर्ड कर्तव्य, हम सन्यासी हैं, हमारी कहीं भी किसी जगह पर हमारे कर्तव्य किसी में मैपन नहीं होना चाहिए। सन्यासित किस बात की, सन्यासित किस बात की, आनंद गिरी लिखते हैं अपने कौपिन तक देखिए, जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर की लज्जा किस बात के, अपने कौपिन में भी ममत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए, इस प्रकार शास्त्र ने निर्देश किया। इसलिए अतः जो अतः अतः दृष्टम ही द्वैतम भय है, ये जो व्यक्तता का भेद दृष्टि से करते रहोगे ना वो भय का कारण बन जाएगा। तब अस्पृष्टम पुनः अद्वैतम हम, इसलिए उसके द्वारा जो छुआ हुआ नहीं है, जो भेद रहित स्थिति है वो अभयम देव, वो भय रहित ही है ना, इति उपसंहार, इसको मन में रख करके अब भगवान भास्कर उपसंहार करते हैं। अतः असीम हेतुत्व अभाव, मतलब कभी भी अशीव हेतु मतलब अकल्याणकारी कोई कारण भेद मतलब अद्वैत में बैठे नहीं रहने के कारण अशुभ हेतु अभाव अद्वैता एव शिवा, इसलिए भेद रहित तो ही जो है कल्याणकारक है। इति अभिप्राय, ये हमारी अभिप्राय। इस प्रकार से जो है हमारा 34 समाप्त हो जाता है। तद एतत् सम्यक् दर्शनम् स्तूयते, अब जो है कि उपसंहार करने जा रहे हैं। इस प्रकार जो यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि का ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, वस्तु को यथार्थ होना को दिखाए, किसी भी जगह पे किसी भी विषय संबंधित यदि आपको ज्ञान है तब उस विषय संबंधित यथार्थ बोध वस्तु पर आते हैं। इसी प्रकार से यथार्थ दृष्टि हमेशा सत्य वस्तु को दिखाते हैं। यथार्थ दृष्टि को ज्ञान दृष्टि बोलते हैं, ज्ञान चक्षु बोलते हैं, इसका स्तुति करते हैं। तब ये तत् सम्यक् दर्शनम्, इस प्रकार कोई वस्तु को ठीक ठीक देखना यदि आप सीख जाते हैं ना, वो हमारा उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए किसी भी जगह पर यूरोलॉजी मतलब स्तुति अथवा प्रेस ये क्यों आता है कि साधक के अंदर इसके अंदर रुचि उत्पन्न करें, हम उस पर प्रवर्तित हो आनंद से खुशी से हम उसमें लग जाए, इसलिए स्तुति करते हैं। इसलिए बोलते हैं तद एक संभव है। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवत गीता में हत्वा भी शनिवार लोका ना हंती ना निवृत्ति, इतने भयंकर बात बोल देते हैं कि सारा लोक को मार देने पर भी तुम्हारा पाप तो कुछ छुएगा नहीं। अर्जुन किसके आधार पर, ज्ञान की स्तुति है, अभिन्नता की भाव से ना। इसलिए भगवान जब इतने सृष्टि भगवान करते हैं, हम तो नहीं करते, उसे सृष्टि को अपने आप लय भी करते हैं,
हमारे लिए हमको लगता है कि भगवान ने इतने पानी को एक साथ मार दिया, फिर भी भगवान के अंदर नई जीव में दोष नहीं आता, हम लोग कर्म का फल पाप भोगना भी नहीं पड़ता। क्यों? सब अपने में से ही कल्पना करके अपने में अपने सभी, इसीलिए कोई पाप की भूमि को स्पर्श नहीं करता। किसी इस दर्शन के लिए स्तुति करती है। देखो स्तुति करने के लिए क्या बोल रहे हैं, वीतराग भय क्रोध है मुनि भी वेद पार गई निर्विकल्पो यम दृष्ट प्रपंचोपशमोदय जिसके अंदर से रागश्च भयश्च क्रोधश्च, तो क्या हो जाएगा, इतर इतर द्वंद्व शब्द राग भय क्रोधा, ठीक है ना, और तही उसके द्वारा तो क्या जाएगा भय रागश्च क्रोधे विगत जस्मा दो परिश्रम ये जिससे निकल गया है ना। इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा, इस प्रकार के व्यक्ति के राग भय क्रोधा ही समस्त दोष भेज गए। और वो क्या बोलते हैं, मुनि भी ये राग देश भय क्रोध कब मिटेगा, मुनि भी मनन करना जब आपका स्वभाव हो जाता है, भगवान की चिंतन जब हम अपने स्वभाव मानते शील हो जाएगा, यही मुनि मुनि मननाथ मुनि है ना, मननाथ मुनि आप क्या होगा, मुनि बोल रहे थे मतलब मनन करना, जिस हम कर्म है जिसको सुन रहे हैं उसी को बार बार मनन करना जब हमारा स्वभाव बन जाएगा तो सांसारिक वस्तु के प्रति राग क्रोध भय कुछ भी नहीं, इसलिए बोलते हैं मुनि भी इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा ये मनन करना हम कब करें, मतलब यथार्थ मनन कब होगा, जब वेद पार गई, वेद की पार को प्राप्त कर लिया, वेद पार गई मतलब वेद की अंदर तक पहुंच गया, इसने वेद अल्टीमेटली वेद को पार कर गया, दो में अर्थ होगा, वेद की अंत तक पहुँच कर या फिर उसको पार कर दिया, जिस पर हम लोग इस काम में पुल में बैठ कर धीरे 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 उस पर तक जाते हैं, फिर उस पर से नदी की पार करके पूरा चले जाते हैं। हाँ ठीक है, इसलिए उपनिषद को ये भी पार करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोला परंतु पहले कर्म और उपासना को छोड़ने के लिए आपको वेद की पार उपनिषद भाग आना पड़ेगा, उपनि भी उपनिषद भाग को छोड़ना, वेद पार गई वेद को पार करके चले गए जिन उन लोगों के द्वारा क्या दिखा गया, ये दृष्ट दृष्ट अनिष्ट रूप है जैसे कैसे प्रयोग इन लोगों के द्वारा प्रत्यात्रिया में आ गया, अयम अयम प्रपंच निर्विकल्प दृष्ट अयम प्रपंच निर्विकल्प कैसे प्रयोग है है ना, वीतराग भय क्रोधे मुनिभिर् वेद पार गई अयम प्रपंच निर्विकल्प दृष्ट, ये प्रपंच विकल्प रहित, विकल्प रहित मतलब शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है ना, कुछ वस्तु नहीं है, शब्द प्रयोग नाम लोग करते हैं परंतु हमें जानते हैं एकमात्र पारमार्थिक वस्तु सत्य सच्चिदानंद अधिष्ठानी एकमात्र विद्यमान इसे बोलते हैं, इस दिखा से इस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि प्रपंच उपशम उनकी दृष्टि से प्रपंच क्या होता है, उपशम हो जाता है, प्रपंच जो है लय प्राप्त करे, किसमें लय प्राप्त करे, भेद रहित में, भेद रहित में लय प्राप्त कर गया, प्रपंच मतलब भेद किसमें लय प्राप्त कर गया, भेद रहित अधिष्ठान में लय प्राप्त कर गया, भेद रहित अधिष्ठान में लय प्राप्त कर जाएगा, भेद से ही तो हमारे अंदर भय को डाल दिया, ये वस्तु हमसे भिन्न है, तो मेरे को मिल जाए तो अच्छा लगेगा, मिल गया फिर खो जाए तो डर होगा, इसलिए बोलते हैं रात भी गया भय भी गया, क्योंकि भेद करके कुछ दिखता ही नहीं है, और यदि मान लीजिए हम पता लग गया कि इस वस्तु ने मेरा किस छोड़ा तो हमारा उसके ऊपर क्रोध भी होगा, परंतु जब हमको पता लग गया कि वस्तु से हमारे से भेद रहेगी किसके पास भी गया तो हुआ करता है तो आपको तीनों भी नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं भी तो राग और भय क्रोध ही मुनि भी, ये चीज़ का ध्यान देना, शब्द प्रयोग की शैली को देखकर आपको पता लगना चाहिए कि देखो शास्त्र का हमें कहाँ पे ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, जब तक हम इस स्थिति में नहीं पहुँचेंगे तब तक हम अद्वैत समाज में नहीं आएंगे,
मननशीलता आना चाहिए। श्रवण करने के बाद क्या पढ़ा, क्या स्थिति कहना चाहती है, उसको थोड़ा मन में धारण करके मन में बार बार घुमा सकते हैं, तो चिंतन मन में बैठ गए। हाँ, तृतीय बहुवचन है मुनि भी, तृतीय बहुवचन है, तीनों तृतीय बहुवचन है ना, वितराग भय क्रोधे मुनिधिर वेद पारगे। मतलब इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा क्या हुआ, अयम प्रपंच निर्विकल्प दृष्टा, विकल्प से रहित रूप में देखा गया है। यानी क्यों, क्योंकि प्रपंच उपशम हो गया, प्रपंच उनके लिए लय प्राप्त कर गया, किसको लय प्राप्त कर गया, भेद रहित अधिष्ठान में Om Shanti Shanti।